अब लड़ाई होगी मनुवाद बनाम अंबेडकर वाद, इस देश के अंदर लड़ाई होगी मोदी बनाम माया 2024 की। ये सीधी विसात बिछ गई है। बहन मायावती के साथ आ जाओ ना, उनके पीछे आ जाओ। क्यों नहीं आते हो? मायावती को क्यों नहीं नेता मानते हो भाई? क्योंकि तुम्हें शर्म आती है, दलित को नेता नहीं मानोगे। चंद्रशेखर राव ब्राह्मण, जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि संविधान को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, उससे मिलने गया उस ब्राह्मण से। अब ये खुल के आ गए और देखो इस बात से आज ये क्लियर हो गई है कि बहन मायावती बहुजन का नेतृत्व करती है, बाकी सारे के सारे ये विभीषण है जो बहुजनों के नाम पर इन मनुवादियों के पीछे लगे हुए ब्राह्मणवादियों के। वो ब्राह्मण, वो चंद्रशेखर राव, वो संविधान विरोधी जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना का, वो ऐसे विभीषण ढूंढ रहा है। जो एनडीए और तथा कथित ये पॉलिटिकल इंडिया, ये दो तो मनुवादी गठबंधन है उनके नेतृत्व वाले, और जो एक गठबंधन है बहुजन गठबंधन, जो बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बनने जा रहा है, बन रहा है, जिसमें तमाम इस देश के 85%, चाहे उसमें असदुद्दीन ओबीसी हो, चाहे महान दल के हों, और बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, वो तमाम 85% अब एक साथ होने वाले हैं। अब ये आमने सामने की लड़ाई होगी। मैं बार बार कहता हूँ, पहली बार इस देश में मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद की लड़ाई होनी है, मोदी बनाम माया की लड़ाई होगी 2024 की। मैं 2 साल से कह रहा था, लोग उसको नहीं मान रहे थे, मगर अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है। बहन मायावती ने भी कह दिया है, इन दोनों मनुवादियों से सामने लोहा लिया जाएगा, अंबेडकर बाद सामने लड़ेगा मायावती के रूप में। बहन जी नेतृत्व करेगी और तमाम 85% बनाम 15 की लड़ाई ये 2024 में, ये विसात बीत चुकी है और ये बिल्कुल लाइन खींच चुकी है, शंखनाद होना बाकी है जो 2024 में होगा। जो इंडिया बना है उसमें तो तमाम बहुजन पार्टियां हैं, देखिए अखिलेश यादव है, आरजेडी है, तमाम पार्टियां बहुजनों की। नहीं, बहुजनों की कहां से बहुजनों की? सर मुझे एक बात बताओ, ये बहुजन कहां है? वो तो मंदिरों में जाकर के वो मत्था टेकता है, वो पूजा करता है, यज्ञ करता है, वो अपने वो जब मौका लगता है तो अपने उसमें वो टीके लगाता है, अपनी पत्नी के साथ व्रत रखता है, वो तो ये दिखाता है। मैं तो उनमें से हूँ, 15% में से हूँ, वो कहाँ है? याद करो 2019 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, संसद में उनका आखिरी भाषण, आखिरी सत्र में उन्होंने कहा था, इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार दोबारा से मोदी जी चुन के आए, और वो चुन के आए 2019 में। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, समाजवादी पार्टी के उस समय के मुखिया और अखिलेश यादव के पिताजी का वो बयान है, तो ये कहां से बहुजन हो गए भाई साहब? हाँ, जो आरजेडी है वो तो थोड़ी बहुजन है, मगर वो भी अभी लाइन पे आ जाएंगे और बाकी नहीं है। और देखिए सवाल ये कि मराठे उसमें ब्राह्मण है, वो ममता बनर्जी है और दूसरे हैं, लेकिन बहुजन नहीं है। और लेकिन सबसे बड़ी बात, एक दो बहुजन है भी तो उसका नेतृत्वकारी जनेऊधारी है। हमें जनेऊधारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और बहन मायावती के साथ आ जाओ ना, उनके पीछे आ जाओ। क्यों नहीं आते हो? मायावती को क्यों नहीं नेता मानते हो भाई? क्योंकि तुम्हें शर्म आती है, दलित को नेता नहीं मानोगे। इसीलिए बहन जी अपनी लड़ाई, बहुजनों की लड़ाई अपने स्तर पे करेगी अपने साथ। बहन जी ने ये कहा कि भैया जिस सरकार ने संसद बनाई है, ये उसका अधिकार क्षेत्र की बात है कि वो किससे उद्घाटन कराए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है कि भाई राष्ट्रपति से, आदिवासी राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन नहीं हो रहा है, जब ये आदिवासी को कैंडिडेट बनाया था बीजेपी ने, तब उसने अपना कैंडिडेट वो सीना खड़ा किया था कांग्रेस ने, तो उस समय क्यों नहीं विड्रॉ किया? अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। और बहन जी ने देखिए उन्होंने कहा कि भैया ये जो राष्ट्रपति है वो अपने आप में ताकतवर है, संविधान की शक्तियां उसमें है, उसको अपनी प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि भैया मैं करूंगी इसका उद्घाटन संसद का। अब बहन जी बड़ी या एक राष्ट्रपति बड़ा? अब राष्ट्रपति तो कह नहीं रही है, जो खुद आदिवासी है उसका सम्मान जा रहा है, उसकी पार्टी के लोग, उसका प्रधानमंत्री जो उसके नीचे है वो उसको कह रहा है, राष्ट्रपति को बाईपास कर रहा है, तो वो आदिवासी जो राष्ट्रपति है वो तो विरोध नहीं कर रही, वो महलों में बैठी है। और बहन कुमारी मायावती जो गरीब दलितों की नेता है, वो बेचारी इनसे बेकार में पंगे ले, क्यों ले भाई? तो बहन जी ने सही करा कि राष्ट्रपति को विरोध करना चाहिए, बहन जी क्यों करेगी? तो उन्होंने कहा, बहन जी ने सीधा सीधा कहा कि भैया ये सरकार के, और देखो बहन जी ने एक तीर से कई शिकार करे, बहन जी को पता है 2024 में बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनना है, तो उन्होंने कहा कि जब बहन जी अपने बहुजनों के हक में जब वो लेगी फैसले लेगी तो ये बीजेपी वाले विरोध नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहन जी ने कहा भैया हमने भी तो तुम्हें छूट दी थी कि तुमने बनाया संसद तो किसी से भी करवाओ, ये हमारी क्या बात है, सरकार ने बनाई है, तो इसलिए जब बहन जी की सरकार फैसले लेगी तो ये एक भी मनुवादी विरोध नहीं कर पाएंगे। बहन जी ने एक तीर से कई शिकार करे, वो एक परिपक्व, एक अनुभवी राजनेता है। बहन जी एक माननीय कांशीराम जी की शिष्या है, बाबा साहब की वो मानने वाली है, तो इसलिए उनको कोई नहीं हरा सकता। पार्टी को
रहता है और मायावती उनके साथ गठबंधन करेंगे, ये कैसे संभव? देखिए ऐसे तो बीटीएम मैं तो बताता हूँ, कांग्रेस आरएसएस की भी ए पार्टी है, बड़ी बहन है। बीजेपी आरएसएस की बी पार्टी है, छोटी बहन है। आम आदमी पार्टी उसकी सी पार्टी है, ये उसका बेटा पैदा हुआ है अभी आरएसएस का। तो ये तीनों भाई बहन है। तो देखो कोई भी दुश्मन पार्टी है वो अपने अपने राजनीतिक शत्रु को ये थोड़ी बोलेगा कि भाई ये हमारा पक्ष या मजबूत है, वो तो फैलाएगा ही ना अफवाह। तो आप अफवाह में हम बताना हम नहीं आएंगे अफवाह। नहीं बिल्कुल नहीं है बेटी, तेलंगाना पहुंच गए बहन जी की। हाँ ये देखो, ये जो समाजवादी पार्टी तथा इंडिया के सपोर्टर वो अखिलेश यादव और उनका जो आरएलडी के नेता, उनके साथ गठबंधन करने वाला आदमी बहन जी को कमजोर करने वो पहुंच गया। वो विभीषण चंद्रशेखर ब्राह्मण, उसे चंद्रशेखर राव ब्राह्मण, जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि संविधान को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, उससे मिलने गया उस ब्राह्मण से। अब ये खुल के आ गए और देखो इस बात से आज ये क्लियर हो गई है कि बहन मायावती बहुजन का नेतृत्व करती है, बाकी सारे के सारे ये विभीषण है जो बहुजनों के नाम पर इन मनुवादियों के पीछे लगे हुए ब्राह्मण वादियों के। तो हमारी लड़ाई इन मनुवादियों से, दोनों गठबंधनों से, इन दोनों से बहन मायावती लड़ेगी और हम बहन जी के साथ। देखिए उसकी पार्टी नहीं चली, वो बिचारा गिर गया, उसकी उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब वो सोच रहा है किससे गठबंधन करके एक आध एमपी तो मरने से पहले बनी जाए। अब उसकी राजनीति खत्म, मैंने बोल दिया था किस तारीख को, उसकी राजनीति का पटाक्षेप खत्म हो गई उसकी राजनीति। और कल उसने अपने वहां मिलकर के चंद्रशेखर राव से मिलकर के उसने अपने उस राजनीतिक करियर को खत्म करने की ताबूत में आखिरी कील ठोक ली। उसके बाद अब बहुजनों ने नकार दिया उसको, बहन कुमारी मायावती अकेले। देखिए तेलंगाना में सरकार बनने वाली है, आरएस प्रवीण साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, लिख लो इस बात को। इसीलिए वो ब्राह्मण, वो चंद्रशेखर राव, वो संविधान विरोधी जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना का, वो ऐसे विभीषण ढूंढ रहा है कि जो बहुजनों के खिलाफ वो जिनको आकर के इस्तेमाल कर सके। लेकिन ध्यान रखना, कलयुगी रावण विभीषण के हाथों नहीं मारा जाएगा, हम विभीषण को पहचान के पहले ठिकाने लगा देंगे। अरे पता चल गया, वो खुद कह रहा मैं विभीषण, उसने कहा मैं रावण नहीं हूँ। अभी देख लो उसके अंबेडकर नामा पे रतनलाल के पिछले हफ्ते के, देख लो सत्य टीवी, हिंदी सत्य टीवी पर उसने बोला है कि मैं रावण नहीं हूँ। भाई मेरा नाम तो मीडिया ने रख दिया, पता नहीं किसने रख दिया, मैं तो रावण नहीं हूँ। वो कह रहा चिल्ला चिल्ला के मैं विभीषण हूँ, मैं पंडित चंद्रशेखर आजाद को मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ। वो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे, वो कह रहे काशीराम जी से मेरा कोई लेना देना नहीं, वो कह रहे मेरा बहुजनों से कोई लेना देना नहीं, मैं तो हूँ विभीषण, वो खुद कह रहा है। यार मेरी क्या गलती है इसमें, बताओ मुझे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मंदिर बनाए गए हैं बुद्धों को तोड़ करके, उनकी बेटी खुद बीजेपी में मंदिर में पूजा कर रही है, संगमित्रा जो मौर्य। देखिए राजनीति कर रहे हैं, जब ये बीजेपी में मंत्री थे, जब ये कहां गए थे, जब ये मौर्य जी ने क्यों नहीं कहा कि मैं मंत्री हूं, सारे मंदिरों का जितने मंदिर हैं इनमें इनके इनकी मैं चेकिंग करवाऊंगा, ये बुद्ध मंदिर है, तब तो मलाई चाट रहे थे। अब जब आगे की सापा फेल हो रही है, बासापा को फेल करने के लिए ये समाज के अंदर ये एक वो करना चाहते हैं, ये भेदभाव करना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं चुनाव से पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6-7% अपर क्लास ब्राह्मण बहन जी को सपोर्ट करने जा रहा है, मुस्लिम एक तरफा सपोर्ट करने जा रहे हैं, अब ये उसके अंदर बिखराव करना चाहते हैं। कल बहन जी ने कह दिया कि मौर्या जी कहां थे जब तुम बीजेपी में मंत्री थे, जब तुम मलाई चाट रहे थे इनकी मनुवादियों की, तब तुम्हें बुद्ध मंदिर याद नहीं आए, तब तुम्हें याद नहीं आया कि इन बुद्ध मंदिरों की चेकिंग कराई जाए। आज जब बहन जी जीतने जा रही है, तो जब तमाम वर्ग बहन जी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो अब इस देश में आप अलगाव पैदा करना चाहते हो, इस देश के अंदर आप इस तरह की परिस्थितियां पैदा करना चाहते हो कि आप आपस में लड़वाना चाहते हो, आप आरएसएस के पक्ष में काम कर रहे हो, आप हो आरएसएस के नकली लोग हैं, जहां इनको मलाई मिलेगी वहीं जाएंगे। बहन जी को छोड़ा बीजेपी, बीजेपी को छोड़ा समाजवादी, समाजवादी को छोड़ेंगे तो पता चला राहुल गांधी कह दे मंत्री बनाएंगे तो वहां कूद जाएंगे। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं, ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं। इंडिया बना है, नया घटक जो बना है, इससे मायावती का नेतृत्व क्यों पसंद नहीं है, क्यों इनको दरकिनार कर दिया गया? देखिए जातिवादी मनुवादी मानसिकता, ये दलितों को अपने पैरों में तो बिठा लेंगे, लेकिन नहीं, तीसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन वो तो उसकी नेता तो दलित है ना, यही तो इनको तकलीफ है। वो कह रहे हैं मायावती जी जैसे और आगे पीछे लग गए ना, ये अखिलेश आगे पीछे लग गए उनके ब्राह्मणवादी नेतृत्व के कांग्रेस के, और कुछ लोग उसके पीछे लग गए, वो अठावले उसके मनुवादी इनके बीजेपी वालों के, ये कह रहे हैं कि भैया बहन जी भी आके हमारे पीछे लग जाए, तब तो कोई बात नहीं है।
पार्टियां हमारे पीछे, लेकिन बहन जी नेतृत्व नहीं मांगनी चाहिए, बहन जी नेता नहीं होनी चाहिए, बहन जी प्रधानमंत्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दलित की बेटी है, अंबेडकर की बेटी है, वो माननीय कांसीराम की शिष्या है, वो इस देश की 85% की वो नेतृत्वकारी है, वो प्रधानमंत्री का वो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वो बहन जी को वो दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन बहन जी ने कहा कि हम तुम्हें लात मारते हैं और हम खुद तुम्हारे, तुम दोनों मनुवादियों के खिलाफ हमारी चुनौती होगी, अब लड़ाई होगी मनुवाद बनाम अंबेडकर वाद, इस देश के अंदर लड़ाई होगी मोदी बनाम माया 2024 की, ये सीधी विषाद बिछ गई है।